वाटर प्यूरिफायर क्यों लगाना चाहिए और आपने वाटर प्यूरिफायर क्यों नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात यह है, या तो आप अभी सोए हुए हो या अभी जागरूकता की लाइन में अभी आए आए नहीं हो आप, तो जागरूक हो जाइए। वाटर प्यूरिफायर लगाने का मकसद यही है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो 100% इम्प्योर है। क्यों आप कहोगे मेरे समर सेविल है, अरे समर सेविल है उसके बाद भी आप यूएफ वाटर प्यूरिफायर, यूवी प्यूरिफायर या नॉर्मल कोई भी वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, जिससे पानी के अंदर उले हुए रसायन आपको निकाल कर वो वाटर प्यूरिफायर देगा और आपको हेल्दी पानी मिलेगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि पहले हम जब बात करते हैं यहाँ से 30-40 साल पीछे जाते हैं, तो हमारे घरों में हर घरों में हम सभी घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे और ना ही इतना ज्यादा डिटर्जेंट यूज हुआ करता था, ना ही हर किसी के घर में हर अलग अलग कंपनी का केमिकल युक्त शैम्पू यूज नहीं हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि आज जो हम फसलें उगा रहे हैं उन फसलों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और तमाम तरह की उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तरह तरह के हम लोग कीटनाशक दवाएं और खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वो सब हमारे अन्न में भी उसकी मात्रा आती है, तो अन्न भी दूषित हो रहा है और जो हम यूज कर रहे हैं रसायन वो सब पानी में घुल घुल के हमारे जो पानी का जो गर्भ होता है, भूगर्भ होता है पानी का, जमीन के अंदर पानी होता है, स्रोत होता है, उसमें घुल जाते हैं और मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वाटर लेवल दूषित हो रहा है और अशुद्ध हो रहा है। तो हम लोग वही पानी समरसेबल से निकालते हैं या यूं कहें हम लोग बोरवेल का पानी यूज करते हैं या फिर अपने हैंडपंप से यूं पानी यूज करते हैं, नदी नालों का पानी यूज करते हैं, तो जो भी पानी है वो हमने ही अशुद्ध किया है, हमने ही बर्बाद किया है, हमने ही उसको नष्ट किया है। पहले पानी इतना शुद्ध नहीं हुआ करता था, हर जगह पीने योग्य पानी हुआ करता था। जितना भी रसायन आज पानी में है वो हमारे वजह से ही है, हमारे मानव जो मानव धरती पर जो रह रहा है इंसान है इसने अशुद्ध किया है। तो आप लोगों को वाटर प्यूरिफायर इसलिए लगवाना चाहिए। अब आपके घर से निकलता हुआ कचरा, जितना भी डिटर्जेंट है, शैम्पू है, वो सब भी भूगर्भ पानी मिलता है और अशुद्ध हो जाता है। जो आप पानी नीचे जमीन से लेते हैं वो सब अशुद्ध हो जाता है, इसलिए वाटर प्यूरिफायर लगवाना बहुत ही आवश्यक है। बाकी आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहां पर तमाम तरह की वैक्सीन, तमाम तरह की इंजेक्शन, तमाम तरह का मेडिसिन और ना जाने कितना कचरा वहां से निकलता है। कभी आपने देखा है किसी नगर निगम वाले को उस कचरे को ढोते हुए? कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति को जाके वहां कचरा कलेक्ट करते हुए? ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जितना भी इनका कचरा होता है ये लोग अपने ही हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े कुएं बनाते हैं और उन्हीं कुएं में इसको डंप कर देते हैं और उसमें सड़ने देते हैं और वो पूरी तरह से धीरे धीरे सड़ता रहता है, खत्म होता रहता है। लेकिन उससे निकलने वाला जितना भी रसायन होता है, जो केमिकल होता है, वो सब धीरे धीरे पानी में ही और जमीन में घुलता रहता है और पानी में शुद्ध करता रहता है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें सरकारी हैं, कुछ निजी हैं, प्राइवेट हैं, तो सभी मेडिकल्स का और जो हॉस्पिटल्स हैं उनका यही हाल होता है, जितना भी कचरा वहां निकलता है वो सब उसमें डंप करते हैं, जिन्हें अपने पाताल तोड़ कुओं में। और कुएं ऐसे नहीं होते दोस्तों, पाताल तोड़ कुएं होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कुएं होते हैं जहां ये दुनिया भर की वैक्सीन और मेडिसिन जो खराब होती है, जो कचरा होता है, पट्टी होती है, दवाई होती है, वो सारा कचरा वहीं पर ये डाला जाता है और पानी को फिर ये सब दूषित करते हैं। और जो हम पानी पीते हैं वो भी दूषित है। वही हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफायर लगे हैं, कहीं नहीं लगे हैं, कहीं लगे भी हैं सरकारी में तो नहीं लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ही पानी को दूषित किए हैं, तो हम ही उसका उपाय भी निकालेंगे कि हम वाटर प्यूरिफायर को शुद्ध कैसे करें। तो पानी बहुत है ना, पानी की मात्रा कम है, ना ही दुनिया में कभी पानी कम होगा, होगी ही नहीं पानी कमी, लेकिन पानी अशुद्ध हो गया है और पानी अशुद्ध होता जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मानव है। तो आपने वाटर प्यूरिफायर इसलिए लगाना चाहिए। दूसरी बात हम कहेंगे, और वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और आगे तक देखें, ये बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। दोस्तों पानी में वैसे तो तीन तरह की गंदगी होती है, अशुद्धियां होती हैं। पहली हो गई फिजिकल,
दूसरी हो गई आपकी केमिकल और तीसरी हो गई बायोलॉजिकल। फिजिकल इम्प्योरिटी वो होती है जिसे हम कूड़ा करकट, कचरा, पन्नी और पॉलिथीन या फिर आपका प्लास्टिक हो गया, इन सब तरह की चीज़ों को हम पानी में डाल देते हैं या जमीन में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं कहीं पर। तो ये क्या होता है, नदियों में हम लोग फेंक देते हैं, बोतल्स आपने देख रहे होंगे फेंकते हैं, डिब्बे फेंकते हैं, आजकल पैकिंग का चलन है, हर चीज़ पैकिंग में आ रही, तो पैकिंग वाला भी सब फेंकते हैं कचरा। तो उससे क्या होता है, इसमें फिजिकल इम्प्यूरिटीज आपको दिख रही है, कचरा हो गया, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, कण हो गया, रेत हो गया, ये सब आपको दिख रहा है, फिजिकल इम्प्यूरिटीज में आता है और आपका पानी दूषित हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए आपको नॉर्मल फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, उसे निकाल देंगे और ये शुद्ध हो जाएगा पानी। लेकिन बाद में आती दूसरी केमिकल, हमने आपको बताया तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं, कीटनाशक हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, जो आपके खेतों में डाला जाता है, दूसरा आपका दवाइयों में हो गया, मेडिकल हो गया, और आप अपने घरों से भी दुनिया भर का केमिकल निकालते हो, डिटर्जेंट, शैम्पू और आप तमाम तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, उन्हें आप धुलते हो तो वो भी पानी में ही मिक्स होता है। तो आपका ये केमिकल अशुद्धियां और केमिकल इम्प्योर जो पानी आपका हो जाता है, केमिकल मिक्स हो जाता है, अत्यधिक केमिकल जब मिल जाता है तो पानी इम्प्योर होता है। वही पानी आप पीते हो तो आपके बॉडी में स्किन खराब होती है, आपके बॉडी में बहुत सारी फंगस होती, बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं पानी में तो आपकी बॉडी को वो दूषित करती हैं और परेशान करती हैं, क्योंकि आपके बॉडी में 70% पानी ही होता है दोस्तों। और आप तीसरी अशुद्धि आपकी हो गई बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का होता है जो पानी में बैक्टीरिया और वायरस होता है, बैक्टीरिया और वायरस जो होता है वो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी के अंदर। तभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैजा, टाइफाइड, फैचिस, दस्त वगैरह लोगों को ज़्यादा होते हैं। किसी को आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को लीवर में इन्फेक्शन होता है, लीवर डैमेज होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो पानी से या पानी में अशुद्धियों के होने से या हम जो अशुद्ध पानी पीने से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं और हमारी शरीर को बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पहुँचाती हैं। हानियाँ जब इस तरह से होती हैं तो हम उसको लिए उपाय करेंगे, वाटर प्यूरीफायर यूज करेंगे। तो आपको आज ही वाटर प्यूरीफायर यूज करना चाहिए, चाहे आप यूवी फिल्टर लगाएं, चाहे आप यूवी प्यूरीफायर लगाएं, चाहे आप 100% वाटर प्यूरीफायर जो आरओ वाटर प्यूरीफायर आता है उसे लगाएं। और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल निकालने हैं तो आपको पानी से केमिकल को निकालने के लिए आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करना होगा। और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज हो गई, चौथी आपकी हो गई माइक्रो बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज होती है, वो भी आपका यूवी ट्रीटमेंट के द्वारा ही निकलेगा। अगर आप यूवी यूज करेंगे बैक्टीरिया वायरस को निकालने के लिए, अल्ट्रावायलेट रेज की किरणें यूज करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तब ही आपका पानी शुद्ध होगा और ये पानी आपका प्योर बनेगा 100%, जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपने क्या करना है, वाटर प्यूरीफायर अवश्य लगाना है, और अगर नहीं लगाया है तो आज ही लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। और दूसरी बात ये है कि आज भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो सबमर्सिबल करवा लिया है और हमारे घर में तो टीडीएस इतना आ रहा है, उतना आ रहा है। ठीक है, टीडीएस आ रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन क्या आपने वाटर प्यूरीफायर नहीं लगाया है? अच्छी बात है, आप होशियार हैं, आप समझदार बन रहे हैं, लेकिन आप समझदार हैं नहीं, क्योंकि सबमर्सिबल का पानी आपने निकाल लिया है। सबमर्सिबल का पानी हो सकता है आपका हल्का हो, टीडीएस भी कम हो, लेकिन उस पानी के अंदर भी केमिकल इम्प्यूरिटीज हैं। उस पानी के अंदर ऐसे रसायन घुले हुए हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान देंगे, इसलिए पानी को चेक कराएं। अगर आप आरओ प्यूरीफायर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप वाटर प्यूरीफायर लगाएं या यूवी प्यूरीफायर लगाएं, कोई ना कोई वाटर प्यूरीफायर अवश्य लगाएं, क्योंकि आपने अपने घरों में लाखों रुपए के गैजेट्स यूज कर रखे होंगे, जो लाखों रुपए के होंगे, करोड़ों रुपए के किसी घर में होंगे, लेकिन आप एक 10-12 हज़ार रुपए का वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकते क्या? तो वाटर प्यूरीफायर लगाएं और अवश्य लगाएं और समझदारी का परिचय दें। अगर आप समझदार हैं, अकलमंद हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप वाटर प्यूरीफायर अवश्य इस्तेमाल करेंगे और आज ही आप संकल्प लेंगे कि अपने घर में वाटर प्यूरीफायर लगाएंगे। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में वाटर प्यूरीफायर दे देंगे। आप संपर्क करिए हमारी कंपनी में, SRS 3000 सिस्टम, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसको स्किप ना करें, कॉन्टैक्ट करें और वाटर प्यूरीफायर लगवाएं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय SRS, जय श्री कृष्ण।